I've fallen in love with I love. I love you. Del bole, wow. हमें राम बाबू के घर जाकर पत्रिका देनी है। ठीक है भाई। अरे भैया, कल साहब के घर शादी है, पूरे परिवार के साथ आइएगा। हाँ। मुहूर्त तो आज रात का है, लेकिन हाँ। शादी कल सुबह 6:30 से 7:30 के बीच होगी। हाँ। आप सब लोग को जरूर आना है, ठीक है ना? हम सब जरूर आएंगे। अरे भाई, ये हाँ। कल सुबह शादी की बात कर रहा है, मगर पत्रिका तो अभी मिली है। अब इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वो क्या है कि कल सुबह दूल्हा जेल से छूट कर आ रहा है, इसीलिए उन लोगों ने आज पत्रिका दिया। क्या कहा? जेल से छूट कर आ रहा? हाँ, जेल से छूट कर आ रहा है, लेकिन लोग उसे गुनहगार की नजर से नहीं बल्कि फरिश्ते की नजर से देखेंगे। 4 साल पहले एक हत्या के इल्जाम में इस गांव का अल्हड़ नौजवान रजनीश जेल गया था। उसी रजनीश का आज यहां उसके दोस्त और परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, जिसने दो परिवारों के बीच की नफरत की दीवार को गिराने की कोशिश की। कौन है ये रजनीश, आइए जानते हैं। रजनीश आ गया। चलो चलो निकलो यहां से। इधर आ, इस बोगी में चल। हे गार्ड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग यहां पर लड़ रहे हैं, इसीलिए कहता हूं ब्रेक का कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के पास ही होना चाहिए। ट्रेन स्टार्ट करो। ठीक है, करता हूँ। मामा को उंगली दिखाता है तेरे तो। गलती करके देखो कैसा खड़ा है। अरे व्यापारी है तू, ऐसे धंधा करेगा?
नमक का धंधा करने वालों की इज्जत होती है, मगर इस बात का उनको कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, एक गाड़ी रेत कितने की मिलती है? 4,000 रुपए की। और एक गाड़ी नमक? वो साहब बताओ 2,500 से 3,000 रुपए तक। नमक रेत से सस्ता बिक रहा है, इस तरह नुकसान में धंधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, अपने धंधे की इज्जत करना सीखो। साहब ए मनोहर, भैया तुम्हें वहाँ से नमक निकालने को कहा था, निकाल लिया? थर्मामीटर से देख रहा हूँ, नमक तैयार नहीं हुआ। तो तुम तापमान चेक कर रहे हो? इतनी गर्मी देखकर तुम्हें तापमान पता नहीं चला? अरे इससे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो नमक पत्थर बन जाएगा, फिर मशीन बुलाकर हटाना पड़ेगा। अरे सरवन बेटा, क्या हुआ चाचा जी? तुम्हारा भांजा जो है कालिया ग्रुप के लड़कों के साथ गाँव के बाहर मारपीट कर रहा है, जाके देखो। इंसान का बच्चा है ये शैतान का। जब देखो दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना, कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होना, क्या है ये सब? मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं होता इस पर, देखो कैसे खाना ठूस रहा है। नानी हा? मेरा खाना ऊपर वाले कमरे में लगा दो, मैं वहीं खाऊंगा। अरे ऊपर बहुत गर्मी तो है। क्या हुआ? मेरी माँ को मेरा यहाँ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है। तो इसकी बात ये बात है, मुझे सब पता है। सारे गांव के लोगों से बाहर जाकर ये लड़ता झगड़ता है माँ। आज उस कालिया को मारने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह से हर वक्त मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आपके भाई को कोई बुरा भला कहेगा तो आप क्या करोगी? तो मैं जाकर उसका गला दबा दूंगी। अरे यही तो मैंने भी किया है। जो भी मेरे मामा के खिलाफ कुछ भी गलत बोलेगा मैं उसे मारूंगा ही नहीं बल्कि काट डालूंगा। आप जानती हो उसने मामा के बारे में क्या बोला? क्या बोला उसने? देखो तुम्हारा मामा, बताओ क्या बोला? वो मामा उस दिन पंचायत की मीटिंग में उसने उंगली दिखाकर आपकी इंसल्ट की थी। मैंने उसी दिन उसे मारने का प्लान बना लिया था, मगर वो भागकर मदुरई चला गया, आज ही वापस आया है, इसलिए हिसाब बराबर कर दिया। अरे किसी भी इंसान को गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, इस तरह 2 महीने बाद कौन जाकर किसी को मारता है? कितनी बार कहा ये मारपीट छोड़कर कुछ काम कर लो, लेकिन ये सुनता कहाँ है? इसका जन्म चांदनी रात में हुआ था तो ये सब पे राज। हाँ सही कहा, चांदनी रात में इसका जन्म हुआ इसीलिए हमने इसका नाम रजनीश रखा। लेकिन आज शहर में इसे किस नाम से पुकारते हैं पता है माँ? गुंडा। इस नाम से इसे कोई बुलाता है तो ये बहुत खुश होता है, देखो कैसे घूर रहा है। जब लाट साहब के पास पैसे नहीं होते हैं तो गल्ले में से निकाल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करते हैं। अरे वो मस्ती करने नहीं जाता है, वो तो मेरा काम करने जाता है, मैं भेजती हूँ उसे। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? सुनो माँ, कल से तुम्हारा ये लाडला मेरे साथ काम पर जाएगा। मामा जी आपके रहते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे कामचोरों से यही उम्मीद की जा सकती है। ए दादी, गुंडा रजनीश कहाँ है? बेटा ये हटेला तुम्हें बुला रहा है। क्या कहा हटेला? अरे ये कैसा नाम है? अरे बेटा ये लोग एक दूसरे को प्यार से गुंडा, चिंदी चोर, मेंढक, अंगूठा छाप, रंगीला यही सब बुलाते हैं। इन्होंने सबके नाम रखे हुए हैं और पता है तेरा भी एक नाम है। हाँ, पता है, सन की श्रवण SS, सही है ना? अब जाओ। आओ रजनीश आओ। कहाँ हैं वो लोग? वो सब लोग गोदाम में ताश खेल रहे हैं। चलो चलते हैं। मेरे बेटे को भूख बर्दाश्त नहीं होती। मन्नू, अरे बेटा मन्नू। हाँ। बेटा खाना तो खा ले। दादी आपने मुझे खाने के लिए बुलाया, लगता है अपने हाथों से खिलाएंगी। खिलाओ दादी खिलाओ। मन्नू। दादी मैं सामने तो खड़ा हूँ। देखो आ गया मेरा मन्नू, आजा मेरा बेटा। तू यहाँ क्या कर रहा है, जाके काम कर। ये ले बेटा ले खाना। मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरा नाम कुत्ते को दे दिया है। उसके हिस्से की डांट मुझे मिलती है और मेरे हिस्से का जो प्यार है वो उसको मिल जाता है। ठीक है ठीक है, जितनी बेइज्जती करनी है कर लो, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा देखना। इस शहर का मैं बड़ा मंत्री बन के दिखाऊंगा। क्या कहा, बड़ा मंत्री बनेगा? हाँ दादी माँ, लोगों की सेवा करने वाला मंत्री, MLA। हाँ तो ऐसे बोलना उल्लू कहीं का। पहले MLA बनूंगा उसके बाद मंत्री बनूंगा। मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें मत कर, वो डर जाएगा तेरी बातों से। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। इंसान को कुत्ता बोलते हैं और कुत्ते को इंसान। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दादी छोड़ो मुझे, सेलफोन की सिग्नल की तरह तुम्हारा प्यार आता जाता रहता है। छोड़ो मुझे दादी, जाने दो मुझे। अरे ये तो कील है,
जितना प्यार ये कील मुझसे करती है काश उतना दादी भी करती। सुन मैं एक दिन तेरी कुत्ते की तरह धुलाई करके तुझे जंगल में छोड़ के आऊंगा, लेकिन क्या है मुझे वहाँ के जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है। कौन है वो लोग जिन्होंने ये तार की बाड़ लगाई है? सब उन पीवीएस कंपनी वालों का काम है, वो सब आपका काम रोकना चाहते हैं भैया। उन्हीं के कुछ लोगों ने ये तार लगाने का काम किया है। हमने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बोले जगह हमारी है इसलिए तार लगा रहे हैं। यहाँ जो नमक की गाड़ी खड़ी है उसे कल रात से पहले जहाज में चढ़ाना होगा। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसका फैसला अब पंचायत करेगी। कल सुबह उन्होंने पंचायत की बैठक बुलाई है। बड़े भैया पीवीएस ग्रुप वाले आ रहे हैं। माफ कर दीजिए मैडम। बी केयरफुल। ये शकुंतला देवी का स्टाइल है, अपने ही लोगों को दूसरों के सामने जलील करना। एक बात बताओ, ये पंचायत में अपनी बहन को क्यों लेकर आया है? अबे ध्यान से देख, सिर्फ बहन को नहीं साथ में चमचे को भी लाया है। भाई साहब आपकी जमीन 4-5 एकड़ है, बाकी लोगों की 480 एकड़ है। अगर आप अचानक ये रास्ता बंद कर देंगे तो यहाँ के लोग नमक को जहाज तक कैसे पहुँचाएंगे? वो फ्लाइट से जाए या फिर उस जहाज को यहाँ लेकर आए, इससे हमें क्या लेना देना? तो ये है आपका फैसला? इनका फैसला पत्थर की लकीर की तरह होता है जो कोई नहीं बदल सकता, समझे? अरे मैं चमचों से बात नहीं करता हूँ, चलो शुरू हो जाओ। सुनो भाई, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन बचाने के लिए हम भी तार लगा रहे हैं। अगर वो तो मनी की जमीन है, तुम कैसे लगा सकते हो? विलास राव, कल शाम को ही इन्होंने वो 3.5 एकड़ जमीन खरीद लिया है। मेरी परमिशन के बिना अब कोई उस रास्ते से नहीं जा सकता। क्या कहा? फिर हम कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाओ ना। ये महाराणा नहले पे दहला। शरवन, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? तू नहीं जानता तू किससे पंगा ले रहा है। 20 साल पहले तुम इस गाँव में आए थे, उस वक्त यहाँ कोई साधन नहीं था, तो नमक ढोने के लिए यहाँ के लोग घोड़ों और गधों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि यहाँ सड़क नहीं थी तो गाड़ी लाने ले जाने के लिए सड़क बनाने का काम मेरे पिताजी ने किया था। उस वक्त लोग एक दूसरे की जुबान पर विश्वास करते थे, इसीलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। हमें ये उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर ऐसे ही बकबक करोगे तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? ए, चलो तार निकालो। देखो भाई, जब आप लोग अपना तार निकालोगे तभी सरवन अपना तार निकालेगा, यही हमारा फैसला है। इतना ही नहीं, जब तक सारी बातें पेपर पर लिखकर नहीं दोगे ये तार नहीं हटेगा। जैसे बहुत देखे शोर मचा रहे, जैसे 3-4 दिन से भूखे कर दो, तार नहीं हटेगा। ड्राइवर जल्दी चलो। जी मैडम। ऐसे नहीं समझेगा वो। नमस्ते सर, मैं शरवन जी का मुंह बोला भांजा हूँ, और इसी तरह अगर मामा से पंगा लोगे तो क्या कर लेगा तू? ज्यादा कुछ नहीं, आपकी अतड़ियां बाहर निकाल के माला बनाकर आपको पहना दूंगा और फिर जेल चला जाऊंगा। अगले दिन मेरी बेल हो जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये सब देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। अच्छा चलता हूँ, ख्याल रखना। लासरा शांत हो जाओ। इसे तो मैं देख लूंगा, इसके मामा ने मेरी नाक काटी थी और ये मेरी अतड़ी निकालेगा। छोड़ूंगा नहीं इसे, पर बात कर दूंगा। वो दोनों अलग अलग कूट अब एक हो गए हैं, लोग शरवण की जय जयकार कर रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो एक हो गए? ए जनार्दन, एक दो को वहीं खत्म कर देना चाहिए था, उसके बाद जो होता हम देख लेते। ऐसे बहुत से झगड़े देखे हैं मैंने, आज तक हमेशा मैंने जीत हासिल की है, हारना मुझे कतई पसंद नहीं। तुम लोग उसका ऐसे गुणगान कर रहे हो जैसे वो राजा बन गया। हमारी ताकत बनी रहे इसीलिए नारायण स्वामी मंदिर में दान देता हूँ, देवी मंदिर में बलि चढ़ाता हूँ, फिर भी तुम लोग हार कर आ गए। बेटी शकुंतला, तुम तो समझदार हो, तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? सुनिए पिताजी, उस आदमी ने वो जमीन रजिस्टर करवा ली है, इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाई। बहुत सीना तान के चलता है, मैं उसी की जमीन में उसे एक दिन गाड़ के रहूंगा, देख लेना। ये ठीक नहीं है पिताजी। हाँ।
अच्छा मनु, तू एमएलए बनकर क्या करेगा? ये हुई ना अकल की बात। सबसे पहले तो ठाकुरवाड़ी में एक बीच बनाऊंगा। बीच? अच्छा कैसे बनाएगा तू? नदी से ट्रक भर भर के रेत लाऊंगा और समंदर किनारे डाल दूंगा और वहाँ हसीनाओं की तस्वीर लगा दूंगा और 8-10 लड़के लड़कियों को खड़ा कर दूंगा। बस बन गया हमारा बीच। फिर क्या, वहाँ पे कोई अच्छा सा स्पॉट देख के एक 5-स्टार होटल बना दूंगा। क्या कहा? इतना ही नहीं, चाय कॉफी ब्रांडी विस्की सब टंकी भर के रख दूंगा। जब मन करे नल खोल के पी लेना। एक ही नल से ये सब कैसे निकलेगा? अबे बुद्धू, एक ही वायर में सैकड़ों चैनल आते हैं कि नहीं, तो एक ही नल में ये सब नहीं आ सकते क्या? और एक बात बताऊं, नदी के पानी को लोग पीते हैं, पीने के पानी से कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई प्लान हैं, जैसे समंदर पर ब्रिज बनाना, बियर की फैक्ट्री खोलना। एमएलए बनने के बाद में और क्या क्या करूंगा जानते हो? एक बार मुझे एमएलए बन तो जाने दो, फिर देखना तुम लोग। अरे मेरी बाइक, अरे मेरी बाइक, अपनी बाइक गिर गई। क्या कर रहे हो? कूदो कूदो। कहाँ जा रही हो? बाइक को पानी में गिरा के यहाँ से भाग रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी आंखें क्या सर के पीछे हैं? इसे ठीक से बाइक चलानी नहीं आती। अच्छा, बाइक चलानी नहीं आती मतलब लाइसेंस भी नहीं है? चलो पुलिस को बुलाओ। पुलिस? नहीं नहीं, सॉरी 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 बोलने से मेरी बाइक अपने आप ऊपर आ जाएगी क्या? ये तो भीग गई। अरे संभाल के यार, देख मेरी बाइक ठीक ठाक है ना? टंकी में नमक का पानी घुस गया, बेचने पर चाय के पैसे भी नहीं मिलने वाले। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? टंकी में थोड़े से भी नमक से इंजन की बैंड बज जाती है। यहाँ तो पूरी टंकी खारे पानी से भरी हुई है। गई मेरी बाइक, इंजन पूरी तरह डेड हो गया होगा। अगर इस पानी से चीजें खराब हो जाती हैं तो जो लोग कूदे वो भी खराब हो गए क्या? जहाज भी पानी में खड़े रहते हैं तो क्या वो भी खराब हो जाते हैं? ए, तेरी जबान तो कैंची की तरह चल रही है। एक दूंगा तो तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। कौन से गांव से हो? मेरा नाम लिली है, मैं तिलकपुर से हूँ। फ्रेंड्स के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। तिलकपुर में समुद्र का पानी सूख गया है क्या जो यहाँ डुबकी लगाने आई हूँ? मनु, हाँ बोलो रजनीश। बाइक को रिपेयर करने में कितना खर्चा होगा? कैसे लिखा मुझसे? पूरे इंजन का सत्यानाश हो गया है, कम से कम 10,000 लगेंगे। ये रहे तुम्हारे 10 रुपए, ज्यादा है मगर रख लो। उसने 10,000 बोले और तुम 10 रुपए दे रही हो? ए, चल इसकी बाइक उठा ले। अरे ये मेरी फ्रेंड की है, 2 दिन बाद आकर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया। अपने घर का पता बताओ। नहीं नहीं नहीं, अगर घर में पता चला तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैं तिलकपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ, तुम्हें पता है वहाँ सब मुझे जानते हैं। 2 दिन में अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो कॉलेज में आकर हंगामा कर दूंगा, समझी? हाँ हाँ समझ गई। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वीरप्पन। ओहो, तो वो वीरप्पन तुम ही हो। अच्छा हा? तो मैं चलती हूँ, जल्दी ही मिलेंगे। बाय। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम श्रवण के यहाँ इतना सुखपूर्वक रह रही हो, पर अपने बेटे को कुछ तो समझाओ, दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है। मुझे भी तो इसी बात की चिंता है पंडित जी। उसकी कुंडली मैंने ही तो बनाई है। बड़ी अच्छी कुंडली बनाई है पंडित जी, या तो वो किसी को मारेगा या मार खा के आएगा, यही लिखा होगा बस। रजनीश को कौन मार सकता है, वो खुद ही सबकी बैंड बजा देता है। क्या बात है रजनीश, बड़ी अच्छी शर्ट है, कहाँ से खरीदी? इस शर्ट की बात कर रहे हैं, मॉल से खरीदी चाचा। कौन से मॉल से खरीदी है पूछिए तो? चेन्नई के मॉल से खरीदी है। 1,000 रुपए की पैंट शर्ट के लिए 10,000 रुपए का प्लेन टिकट खरीदा इसने। 1,000 की मछली के लिए 1,00,000 की बोट का इस्तेमाल करते हैं ना, बस वैसे ही। सही कह रहे हो। ये लो तुम्हारे पिताजी के हिस्से के रुपए हैं, रख लो, अब जैसे मन में आए खर्च करो। मैं चलता हूँ बेटी। माँ, पिताजी के पैसे हैं तो मुझे भी दो ना। अरे दो ना। आप एक काम करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें किसी अच्छे काम में लगा दूंगा जिससे 4 लोगों का भला हो जाए। अच्छा, जैसे 20,000 का नारियल चुरा कर 8,000 में बेच देते हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल, मुझ पे इल्जाम। देख रजनीश, तेरे दोस्त की क्या हालत हो रही है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अरे भगवान, क्या कर रहे हैं? अरे मनु की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी की। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये कैसे टूट गई? ये तो चांदी की मूर्ति थी। भगवान, ये मूर्ति कैसे टूट सकती है? ये कैसे हुआ, बोलता क्यों नहीं? ए चुप, बोलना मत। वो क्या है ना अंकल, 6 महीने पहले हमने असली मूर्ति बेच दी थी और आपको दुख ना हो इसलिए मिट्टी की मूर्ति बना कर लाया था और हम दोनों ने मिलकर उसे पेंट करके यहाँ रख दिया था। मनवा दिया इसने। चलो निकलो घर से, चलो जाओ। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दोनों चोर हैं, इन्हें घर से जाने को कहो। मैं कहाँ जाऊँगा नानी? जहाँ तेरा मन करे। तू हमारे पुराने घर में जा सकता है या फिर सिनेमा घर में जाके फिल्म देख सकता है। और जब तू फिल्म देखेगा ना तो वहाँ पर समोसे खाना, जो दिल करे वो खाना। रात से पहले खबरदार जो घर में घुसा, तो घर में तुझे कोई खाना वाना नहीं मिलने वाला, समझा? जब भाग जाओ। देख रही हूँ माँ को, मैं उन्हें कुछ न बोलूँ इसीलिए उन्होंने उसे ये सजा दी, क्योंकि माँ ने ही उसे बिगाड़ा है। तुम हंस क्यों रही हो? अरे मनु। अच्छा ये बता कि तूने इतने सारे नारियल चुराए कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला कि नारियल कम है, बहुत तेज दिमाग के हो तुम। ये भी रजनीश का आइडिया था अंकल जी, उसी ने कहा था कि हर पेड़ से 2 नारियल तोड़ेंगे तो अंकल को पता नहीं चलेगा, इसलिए तो मैं पेड़ पर चढ़ता था और 2 नारियल तोड़ता था। चमड़ी उधेड़ दूंगा, नालायक कहीं का। सच
तू भी चाटा मारते और झूठ बोला तू भी चाटा मारते। अच्छा सुन, वो तिलकपुर वाली दो दिन में पैसे देने वाली थी ना, अभी तक नहीं आई। अरे यार तेरी बाइक में कुछ हुआ तो है नहीं, फिर भी तू खामखा उसके पीछे पड़ा हुआ है 10,000 लेने के लिए। रजनीश लगता है पीवीएस की गाड़ी आ रही है। क्या चाहिए इन्हें? अच्छा तरीका बुलाने का। जहाँ शादी है उस घर का रास्ता बताओ, आगे से लेफ्ट लेकर। हमारे ड्राइवर को बताओ। हाँ एड्रेस सुनने में भी तकलीफ हो रही है। अच्छा भाई सीधे जाकर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर से लेफ्ट लेना, फिर एक चर्च आएगा, उसी चर्च के पास शादी वाला घर अपने आप दिख जाएगा। गाँव की शादी है, थोड़ी अलग दिखेगी। और कुछ बताओ या आप? वो हम देख लेंगे। मैडम लगता है सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। देखो शकुंतला देवी जी की गाड़ी आ गई। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। लगता है गलत एड्रेस बताया है। अच्छा मजा चखाया है उसने। सुनो शकुंतला देवी जी पधार चुकी हैं, बजाओ। अरे अरे हमारी मैडम को छोड़ दो, हम गलत जगह पर आ गए हैं, माफ करो मैडम। आइए ना मैडम। अरे हमें शादी में जाना था। अरे चल मैडम चिल्लाएगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे हम देखो थे और समारंगीन समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। ये सुन। सुना आती क्या खंडाला, बहुत घमंड है आपसे तो कमी है। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, ठाकुरवाड़ी की रहने वाली मिस्टर शुभानंद की बेटी और विलासराव की प्यारी बहन मिस और मिसेस शकुंतला देवी। जानकर भी पंगा ले रहा है? हाँ जानकर ही पंगा ले रहा हूँ। चुटकी बजा कर बुलाती हो, ये कोई तरीका है? मैं क्या तुम्हारा कोई पीए हूँ या तुम्हारी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हूँ? अब बताओ घमंड किसमें है? हमने शादी वाले घर का रास्ता पूछा था ना? मैंने भी तो उसी घर का रास्ता बताया, वहाँ पर तो कोई मरा हुआ था। अरे वही तो शादी वाला घर था। सही बोला, देखा तुम्हारा ड्राइवर समझदार लगता है। मैडम मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे, चलो चलते हैं यहाँ से। सुन तू जानता नहीं तूने क्या किया है, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ। वो तो तेरे चेहरे से ही पता चलता है, तेरा क्या करती हूँ देख ले। मैडम मैं जानता हूँ तुम अपने भाई से बोलकर गुंडों से मेरी पिटाई कराओगी, और मैं क्या करूँगा जानती हो? 10 लोगों के बीच जब तुम शान से बैठी रहोगी तब मैं वहाँ आकर शंकु आई लाइक यू ऐसा बोलूंगा। हे भगवान। या आई लव यू भी बोल सकता हूँ। अरे बाप रे। होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, चैन से नहीं जी पाओगी। हे शर्मी आती मैडम से ऐसी बातें करते क्यों? तुम्हारे पति के सामने ये सब तुमसे बोलूं? चलो मैडम चलते हैं। अरे छोड़, मुझे पता है किससे कैसी बातें करनी चाहिए। इस औरत को सबक सिखाने के लिए जरूरी था, ये समझती है कि हम सब इससे डरते हैं। देखा ना हमारी बातें सुनकर किस तरह गाड़ी में बैठकर भाग गई। अब ये हमसे हमेशा सोच समझकर ही बात करेगी। एक किलो चिप्स दीजिए। हाँ देता हूँ। एक काम करते ना, यहाँ पे चाय पी के चलते हैं। हाँ चल। अरे जल्दी से अपना चेहरा छुपा लो, उस दिन वाला लड़का आ रहा है, वो हमें देख लेगा। चल जाके चाय बोल दे। चाय हमारे टेबल पे फटाफट, और 300 रूपए मेरे अकाउंट में डाल, समझा क्या? ए, सुबह सुबह पी कर आया है, क्यों 300 रूपए तेरे अकाउंट में डाल दूं? अरे यार तिलकपुर जा रहे हैं ना तो पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, इसलिए बोला। दर्शन करने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, कुछ दिन पहले एक लड़की ने कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे मांगे थे, मैंने उस पर तरस खाकर 10,000 रूपए दे दिए थे। अच्छा। 4 दिन में लौटाएगी बोला था, पता नहीं कहाँ गुल हो गई। हम लोग बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। अरे हम सब तो खानदानी पढ़ाकू लोग हैं, और रजनीश को तो पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्यार है, पढ़ाई करने वालों की ये बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक मिनट इधर आना। तुम अपने पैसे छोड़कर जा रही हो, मुड़कर नहीं देखोगी? अरे रजनीश ये बड़े साहब की बेटी है, दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखाती। मनु भाई दिल चाहता है। कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मनु उस लड़की को तेरा नाम कैसे पता? अरे तू भी ना यार, मनु को कौन नहीं जानता, सारी लड़कियाँ मुझे अच्छे से जानती हैं। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है। सब लोग लाइन से आओ, लाइन से आओ, चलो 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 जल्दी आओ। मैडम वो लड़का भी यहाँ पर आया है, चलो यहाँ से चलते हैं मैडम। अच्छा तो दान कर रही हो, अब देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती हो। अब
क्या करें? वो भी लाइन में खड़ा है। खड़े रहने दो। हे, तुमने वो कमल हसन की फिल्म देखी है? हाँ, क्यों? मैडम मैडम चलते ना यहाँ से। तुम क्यों डर रही हो? उस पिक्चर में पता है क्या हुआ, एक मैडम इसी तरह लड्डू बांटती रहती है और फिर लड्डू लेते समय कमल हसन उसका हाथ चूम लेता है। अगर इस लड़के ने भी ऐसा कुछ किया तो मुझे डर लग रहा है। मैडम आप जाइए यहाँ से। आप यहाँ से जाइए मैडम, यहाँ जो कुछ होगा हम देख लेंगे। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। हाँ मैडम, बाकी के लड्डू तुम लोग बांटिए। क्या मैडम? मैडम ने तो कल्टी मार ली, मैं कैसे लड्डू बांटू अगर उसने मेरा हाथ चुमा तो। भगवान की मर्जी। अरे रजनीश तुझे ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। अरे ये कोई मुफ्त का प्रसाद खाने का टाइम नहीं है, समझ गया? आज रात की पूजा के लिए हर गांव से लड़की आने वाली है, तभी हम लोग ढूंढेंगे। अभी निकलते हैं, चल जल्दी चल। अरे दीदी गए काम से। नहीं उसने हमें देख लिया। पैसे दो मेरे। अभी कैसे दूं? चलो बाहर आओ। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाथ में दिया लेकर आ रही है, देख। आ जाओ, हमें चूना लगाने की सोच रही थी ना। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भानुमती है। तो उस दिन तुमने झूठ बोला था, है ना? ओहो, तुमने भी तो बेकरी वाले से झूठ कहा था कि मैंने वो पैसे तुमसे पढ़ाई के लिए लिए थे। पर तुम्हें कैसे पता? मनु भाई दिल चाहता है। कुछ कुछ होता है। क्यों मैं उस दिन लड़की को देखने के लिए बोला तो बड़े साहब की बेटी है कहकर मना कर दिया। ये दिया मुझे दो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरा दिया है। मैंने कब बोला ये मेरा है? मेरे 10,000 में से अब 2,000 माफ। मगर इसकी कीमत 8,000 रुपए है। ठीक है, पर तुमने तो 2,000 का ही लिया होगा ना। खरीदते वक्त बेचने का भाव देखना चाहिए और बेचते वक्त खरीदने का। घर में पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। ये लो, ये रहा तुम्हारा दिया। ये कहाँ से लाए? हम तो भगवान की मूर्ति को पेंट कर देते हैं। दिया पेंट करना कौन सा मुश्किल काम है? ये लो पेंट रखो। तुम पेंट साथ लेकर घूमते हो क्या? हमें पता चल गया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले ही इसे खरीद कर रख लिया था। ए, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? वीओसी कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं। वीओसी कॉलेज? लेकिन कभी देखा नहीं तुम्हें। मैंने इसी साल एडमिशन लिया है। ओ, जूनियर हो? सीनियर से हाथ मिला। ए, हाथ दो। ए, 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 क्या कर रहे हो? मेरी अंगूठी क्यों ले रहे हो तुम? अब इसके 2,000 और काट लो, बाकी के 6,000 बाद में दे देना। जाओ जाओ। तुम चाहे तो दिया बेच देना, मगर अंगूठी मत बेचना प्लीज। ओ, ये मेरे लिए बहुत लकी है। ठीक है, कल सुबह पैसे देकर ले जाऊंगी प्लीज। हम आपके हैं कौन, तुमको ना भूल पाएंगे। चुप। अरे अरे ये पूरा गांव मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है? नमस्कार 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 नमस्कार, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसको देखने आए हैं? तुम लोग मुझसे नहीं इससे मिलने आए हो क्या? हाँ, मनु फिल्म में काम करने वाला है ना, इसलिए उससे मिलने के लिए आए। फिल्म में काम करेगा? बिल्कुल ठीक सुना भाई, मैं हूँ सुभाष गायतोंडे, मराठी फिल्म का फेमस प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। कल शूटिंग के समय शूटिंग के कुत्ते ने हमारे डायरेक्टर साहब को काट लिया, इसलिए हमने मनु को सिलेक्ट कर लिया। ये फिल्म में हीरोइन के साथ काम करेगा। क्या, हीरोइन के साथ काम करेगा? बिल्कुल सही कहा। हीरो कौन है पहले ये बताओ। हीरो का ऑडिशन चल रहा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी ऑडिशन दे दो। मनु के साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत का ताला खुल जाएगा। क्यों बे? वो इस घर की रखवाली करता है और तुम लोग चाहते हो कि ये फिल्म में काम करे। मनु, लगता है पब्लिसिटी में तू मुझसे भी आगे चला जाएगा, लेकिन एक बात याद रख, मैं ये होने नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ रजनीश? अरे होना क्या है, हमने उसके दिए को गिरवी रख दिया, अब सिर्फ 6,000 बाकी है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? ये बताओ तुम लोग किस कॉलेज में पढ़ते हो? अरे 3 साल पहले हम भी यहीं पढ़ते थे, कॉलेज छोड़ के जाने का मन नहीं करता इसलिए यहाँ बैठे रहते हैं। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। I'm very proud of you. ये क्या इंग्लिश टीचर की तरह पहले हिंदी में बोल रही हो फिर इंग्लिश में बोल रही हो? मेरे पैसे लाई हो ना? उसका इंतजाम तो मैंने कब का कर लिया, लेन देन के मामले में मैं एकदम पक्की हूँ। चलो चलो अब मेरी अंगूठी निकालो। वो तो मैंने कल ही बेच दी। चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम वो अंगूठी कैसे बेच सकते हो? आंखें किसे दिखा रही हो,
मैं कौन हूँ पता है ना? तुम्हारा नाम रजनीश है, तुम्हारी राशि है मेष राशि। तुम घर के इकलौते बेटे हो, इसीलिए घर के सारे लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारे घर में दो दो मनु हैं, एक मनु को दो पैर हैं और दूसरे मनु को चार पैर हैं। नहाने के लिए तालाब किनारे जाते हो और पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे। हजार रुपए की शर्ट खरीदने के लिए 10,000 खर्च करके प्लेन से जाते हो। इतना बस हो गया या और भी बताऊं? चलो निकलो यहाँ से। आया ना मजा? यार ये लड़की तो कमाल है, तेरे बारे में कितना कुछ जानती है। मुझे पता चल गया। क्या पता चला? इसका बाप काशी का और इसकी माँ बंगाल की होगी, इसीलिए काले जादू से सब कुछ जान गई होगी। क्या बोल रहा है ये? 100 का नकली नोट थमा कर गई है, वो भी एक तरफ प्रिंट वाला। यकीन नहीं हो तो खुद देख सकते हो। 100 का नकली नोट देके चली गई, वो भी सिर्फ एक साइड प्रिंट है। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, ये कौन है पहले ये पता लगाते हैं। पागल हो गई है, पहले लगता था वो तुझे परेशान कर रहा है लेकिन अब तो तू उसे परेशान कर रही है। जानती हो ना वो अच्छा लड़का नहीं है। वो जैसा भी है मगर दिल का बुरा नहीं है। छह, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये भी पता नहीं लगा सकते, कैसे ड्राइवर हो? मैडम मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इसे तो गैराज ही लेकर जाना पड़ेगा। बीना कोई गाड़ी आए तो रोक लेना, हम लोग चले जाएंगे। जी मैडम। रोको, अच्छा तो तुम हो। तुझे भी रुकवाने के लिए इसी की गाड़ी मिली थी। गलती हो गई मैडम। अरे भगवान, मैडम वो आपकी तरफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है मैडम। क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई और वो भी जंगल के बीचों बीच? पहले मेरी गाड़ी रुकवाते हो फिर मुंह फेर लेते हो। ड्राइवर क्या हुआ गाड़ी को? वो तो मैकेनिक बताएगा। एक काम कर, मेरी गाड़ी ले जाकर मैकेनिक को ले आ, तब तक मैं मैडम के साथ वेट कर लूंगा। नहीं नहीं तू कहीं मत जा, हम लोग यहीं रुकेंगे, ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है तो सब लोग मेरी गाड़ी में आ जाओ। मैं तेरे जैसे गुंडे के साथ नहीं चल सकती। गुंडा? और मैं? अच्छा तो आप उस दिन की बात को लेकर नाराज हैं। सुनिए आप मेरी माँ के समान हैं, आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। उस दिन आपने चुटकी बजा के बुलाया इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए कुछ ही देर में रात होने वाली है और इस घने जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर घूमते हैं, फिर हाथी आए या शेर कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, मैडम हमें यहाँ से चलना चाहिए। मान जाइए ना, चलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? सॉरी, अब तो खुश है ना? आइए चलिए ना, चलिए। अरे आइए ना, वैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बस जब कोई मुझे छेड़ देता है तब मैं बहुत बुरा बन जाता हूँ। बनना भी चाहिए। आप भी बहुत अच्छी हैं मगर गुस्सा आपकी नाक पर होता है। सही पहचाना, ठाकुरवाड़ी में शकुंतला देवी के नाम से सब डरते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा ये लो तुम्हारे 200 रुपए। धन्यवाद, लेकिन किस बात के लिए? मेरे प्लान के मुताबिक गाड़ी खराब है कहकर बीच जंगल में रोका इसलिए। अच्छा तो ये उसके लिए। अरे नहीं मैडम, मुझे बस कर के मुझे फंसा रहा है। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो आप? एनीवे थैंक्स मैडम। एक मिनट सुनिए, बीच जंगल में खड़े लोगों को घर तक लाकर छोड़ना इंसानियत की बात है। एक और बात मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही दूं, आप जानती हैं मैं कौन हूँ, मेरा गांव कौन सा है, मेरा बिजनेस क्या है? मैं शरवण जी की मुंह बोली बहन का बेटा हूँ और ये गाड़ी ये भी उन्हीं की है और जिस सीट पर आप बैठी थी वो हर रोज उसी सीट पर बैठते हैं। अच्छा अब चलता हूँ। अरे अगर 6 महीने में ब्लड डोनेट करोगे ना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सब बकवास है, ब्लड डोनेट करने पर यहाँ एप्पल और जूस मिलता है इसलिए आया, वरना नहीं आता। भानु वहाँ देख उसका पूरा ग्रुप आ रहा है। ब्लड डोनेट करते रहेंगे और एप्पल खाते रहेंगे। आज दबा के एप्पल खाऊंगा और जूस पीऊंगा। चाहे ग्रुप में आए या अकेले, हमें क्या, हमें तो बस ब्लड चाहिए। कोई चूं भी करे तो सुई घुसा देना। ए तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हम सब NSS के स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। वैसे आपका ग्रुप क्या है? BCOM ग्रुप है। ऐसा क्या? ये सुई क्यों छुपाई? जब तक ब्लड ग्रुप पता नहीं चल जाता यूज कैसे करेंगे? बैठो, क्या तुम दारू पीते हो? क्यों, ब्लड डोनेट किया तो यहाँ दारू मिलती है क्या? तो निकालो जितना चाहो उतना निकालो। जी, दारू पीने के 48 घंटे के बाद ही ब्लड दे सकते हो इसलिए पूछा। अगर ऐसा है तो पूरे राज्य में सिर्फ 234 लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसी बात तुम कैसे कह सकते हो? हर दिन में 234 बच्चे पैदा होते हैं और सिर्फ वही है जो शराब नहीं पीते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ए भानु, उस लड़के का ब्लड ग्रुप A1B पॉजिटिव है। A1B पॉजिटिव? तुझे पता है मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है। ए, तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? देखो भानु, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, ये लड़के लोग बहुत चालाक होते हैं, हमें फंसाने के लिए पता है क्या क्या करते हैं। इसे कैसे पता होगा, ये तो पिंजरे की मैना है। बस करो ना, जब देखो तुम दोनों मुझे डांटती ही रहती हो। क्यों, प्यार हो गया उससे?
तो गए काम से। ए भानु, मेरी माँ आई है, जल्दी आ जा। माँ आई है, पता नहीं कौन होगी। छुप छुप के क्या देख रहा है? जो मैंने सोचा था वो सच निकला, ये मेरे साथ गेम खेल रही है। इससे पहले कि सांप फन फैलाकर हमें डसे, हमें अपने पैर से उसका फन कुचल देना चाहिए। क्या हो गया? अरे यार, ये इतना क्यों सोच रहा है यार? ये अंगूठी इतनी चूम रहा है, जरूर कोई प्लान बना रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। भेजा खराब हो गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अरे यार, ये तो साइंटिस्ट की तरह बात कर रहा है। वो पीवीएस ग्रुप वाले इसका इस्तेमाल करके मेरे जरिए मामा को जलील करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, वहाँ तू गाड़ी लेके चला गया। वो देखो, वो आ रही है। तुमने मुझे बुलाया क्या? भानु, मेरा दोस्त रंगीला है ना, उसकी बहन ना किसी लड़के के साथ चेन्नई भाग गई। अबे बैठ जा, शर्म के मारे उसके घर वाले खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। संभाल के, अगर मैं बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगी, पर एक लड़की को एक लड़की ही समझा सकती है। अगर तुम उसे बुलाओगी तो वो आ जाएगी। चलोगी ना भानु? सुबह की फ्लाइट से जाएंगे, शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे। देखो टिकट, फ्लाइट टिकट भी निकाल लिया। रात से पहले हम आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, चलती हूँ। हाँ, लड़की ने क्या बुलाया, बिना सोचे समझे आने के लिए तैयार हो गई। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते साहब। नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? अच्छा हो साहब। बैठो बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? सर, आप कुंदन राव के बारे में तो जानते ही होंगे, ऊपर से उसका एनकाउंटर करने का ऑर्डर आया हुआ है। वो आप ही की बिरादरी का है, तो आपको इन्फॉर्म करने के बाद ही हम लोग कोई कदम उठाएं, ये एसपी साहब ने कहा है। क्या किया उसने? श्रीलंका बॉर्डर पर समुन्दर में जाकर दो लोगों को मार दिया। हा? इतना ही नहीं, वो शहर में हफ्ता वसूली भी करता है। वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं सुधरा है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, एनकाउंटर कर दो उसका, यही एक रास्ता है। विलास राव जी, पिताजी, बिरादरी के लोगों को बता दो। ठीक है पिताजी, चलते हैं। चलते हैं सर। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। पिताजी, एक मेल आया है। क्या लिखा है उसमें? सऊदी अरेबिया से एक पुराना जहाज शिप ब्रेकिंग के लिए आ रहा है, और वो हमारे पोर्ट में ही आ रहा है, दो दिन बाद उसकी नीलामी है। विलास राव जी, खरीद लिया जाए उसे? खरीद लिया तो अच्छा ही होगा, जो जहाज हमारे पास है उसका काम खत्म होने वाला है, और अगर इसे ले लिया तो शिप ब्रेकिंग का काम चलता रहेगा। शरवन भी अगर चाहे तो पार्टनरशिप में वो जहाज खरीद सकता है। अरे सेल्वम जी, जहाज का मालिक सऊदी अरेबिया में है तो ऑनलाइन दाम फिक्स कर दो, और अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो विलास राव और जनार्दन के साथ अपनी फिशिंग बोट लेकर जाओ और बीच समंदर में ही डील फाइनल करो। वो जहाज जब यहाँ आए तो उस पर पीवीएस का झंडा लहराना चाहिए। किसी भी कीमत पर वो जहाज सरवन के हाथ ना लगने पाए, इसका ध्यान रखना। ये अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं प्लान तो नहीं चेंज कर दिया? ए, लगता है आ गई। अरे यार, ये ऑटो में क्यों आ रही है? किसी को पता ना चले इसलिए। क्या दिमाग लगाया उसने। क्या मानो, इतनी देर लगा दी। चलो चलो, तो जल्दी करो, बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ, ऐसे देख क्या रही है? क्यों, मैं बहुत काला हूँ ना? हम गांव के लोग हैं ना, हमारा रंग ऐसा ही होता है। चलो चलते हैं। रजनीश, तुमने कहा था किसी लड़की से मिलना। हाँ। है, सुबह से हम ऐसे ही घूम रहे हैं, शाम के चार बज चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने घर में बोला कि तुम फ्रेंड के यहाँ जा रही हो, अगर माँ ने फोन किया तो? फोन मेरे पास ही है, कह दूंगी कि फ्रेंड के साथ पढ़ रही हूँ। और घर आने को कहा तो? कह दूंगी कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे में कैसे जाओगी? हम तो अभी जाने ही वाले हैं ना। नहीं, हम नहीं जाने वाले। क्यों? वापस जाने के लिए शाम को कोई फ्लाइट नहीं है, अब तो बस कल सुबह की ही फ्लाइट है। और अगर ट्रेन से जाना चाहती हो तो महानगर एक्सप्रेस में बैठ जाओ, सुबह तक पहुँच जाओगी। जल्दी करो, नहीं तो लोग ढूंढना शुरू कर देंगे, गांव में सबको पता चल जाएगा कि भानु एक लड़के के साथ कहीं भाग गई है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यही मेरा असली चेहरा है। वैसे तुम भी तो मुझे फंसा कर मेरे मामा की जमीन हड़पना चाहती हो, ये तुम्हारा प्लान था ना? ए, अब रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बुलाते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ चली आई, और तुम हो कि? ए, तुम ये प्यार व्यार की बात मत करो,
मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं करता। झूठ कह रहे हो, तो फिर मंदिर में मूर्ति के पीछे से छुप छुप कर क्यों देख रहे थे? मैं कहाँ छुप छुप कर देख रहा था, वो तो तुम भजन गा रही थी इसलिए देख रहा था। अच्छा, वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी ना जो भजन गा रही थी, तो तुम उन्हें छोड़कर मुझे भी देख रहे थे? तुम सुंदर देखती हो इसलिए देखा, इसका मतलब प्यार थोड़ी ना होता। हाँ, पर इसका मतलब ये तो हुआ ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। हमारे परिवार में झगड़ा है, इसी बात की टेंशन है ना, तो कोई बात नहीं, हम दोनों घर से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। ऐसा घुमा के मारूंगा कि समुंदर में गिरोगी और सीधे अपने गाँव में निकलोगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने सोचा था पहले प्यार करूंगी फिर शादी करूंगी, पर अब लगता है शादी करके प्यार करना पड़ेगा। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अगर शाम तक घर नहीं पहुँची तो मेरे परिवार वालों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और तुम्हारे मामा को भी पता चलेगा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। कल सुबह जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचेंगे वो तुरंत हमारी शादी करवा देंगे। अरे सिंपल कैलकुलेशन, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कोई बचाओ मुझे। चेन्नई में उतरते ही उसने कहा मुझे भूख लगी है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलो। अच्छा। मुझे लगा हल्का फुल्का नाश्ता करेगी, मगर उसने 12 इडली, 5 मसाला डोसा और 4 प्लेट पूरी खा गई। फिर सोचा बिल भर के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैडम को शॉपिंग करनी थी, मॉल की सारी शॉप्स को देखना था। 3 घंटे तक 7 माला चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते और आखिर में 3 रुपए वाली कीचेन खरीद कर बोलती है अब शॉपिंग पूरी हो गई। जानते हो उसके बाद बीच पर उसने मेरे साथ क्या किया? बताना क्या क्या उसने? अरे यार एक बात होती तो तुम्हें बताता, उसने तो लाखों जुल्म किए मेरे साथ। मुझे देखकर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कहा उसने। कोई करता है ऐसा? ऐसी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई मेरी। रजनेश इतना अत्याचार होने के बाद तू चुप कैसे रहा? और जानते हो जाते वक्त उसने क्या कहा? क्या कहा? तुमने मेरा कितना टॉर्चर सहा है, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बड़े भैया बीच समंदर में ही इसे खरीद लिया गया है, जब यह जहाज पोर्ट पर पहुंचा तो इस पर PVS का बोर्ड लगा हुआ था। अंदर चलकर देखें। जी भाई साहब। सेल्वम। हाँ। इसकी क्या कीमत है? 40 लाख भाई साहब। ये 30 साल पुराना जहाज है और काफी चल भी चुका है, इंजन भी बुरी हालत में है, इसे तोड़कर भंगार में बेचेंगे तो भी 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। खरीदने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। उस परचेज ऑर्डर को कैंसिल करो और पेमेंट रोक दो। सेल्वम तुम्हारी शादी हो रही है ना? सुनकर बहुत खुशी हुई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इज्जत से बढ़कर पैसा है क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? आज तक जहाँ भी हाथ डाला है उसमें कामयाबी पाई है मैंने। एक जमाने में भूखा प्यासा रहकर भी जिंदगी की हर बाजी को जीता आया है ये शुभानंद। अरे 50 लाख क्या, इज्जत के लिए 50 करोड़ का भी नुकसान झेल सकता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम समझदार आदमी हो, मगर एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। नाम मिट्टी में मिला दिया सबका। हमारे दुश्मन के पास जाकर राय लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दीदी जरा रुकिए ना, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? उन्होंने हमारे भले के लिए ही किया है, कितने नेक इंसान हैं वो, आपके इस परिवार के लिए उन्होंने कभी बुरा नहीं सोचा। जब से मैं इस घर में आया हूँ आज तक इस घर में किसी के चेहरे पर हंसी नहीं देखी। इतने पैसे हैं मगर सुकून कहाँ है, सब पता नहीं किस ईगो में जी रहे हैं। बोलो दीदी इसका कोई जवाब है आपके पास? ये रहा मेरा इक्का। ये रहा मेरी, ये बनी मेरी जोड़ी। हाँ कौन है? मैं भानु बोल रही हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। देखो इस वक्त मैं बिजी हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता। तुमने कहा था ना वापस लौटकर मुझे प्रपोज करोगे। चल फोन रख नीचे। यार ये शकुंतला देवी की बेटी ने तो परेशान कर दिया है, बस जब देखो प्यार की बातें करती रहती है। कहीं किसी प्रॉब्लम में न फंस जाऊं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जरा उधर देख। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्यों आई हो? गांव में आने के बाद प्रपोज करोगे कहा था ना, सोचा मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। मजाक कर रही हो मेरे साथ? हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होगी मेरे गले पड़ गई हो।
हाँ कुछ लोग हैं, चलो बोट घुमाओ। मुझे एक बार और फोन किया तो दूसरा फोन तुम्हारी माँ को जाएगा। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे निकाल कर फेंक दो और सीधा घर जाओ, जल्दी चलो। अरे कोस्ट गार्ड वाले आ रहे हैं, जल्दी छुपाओ, जल्दी छुपाओ। जाओ जल्दी जाओ, चेक करो उन्हें जल्दी। यहाँ पर आना मना है। कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ? ये लड़की कौन है? मैं इनकी, बोलो ना। मैं इनकी लवर हूँ, इनसे मिलने आई थी यहाँ। ए, किसको अपना लवर बोल रही हो? सर आई डोंट नो सर, शी अलोन, वी अलोन, बाकी सी अलोन। तुम चुप रहो, क्या तुम झूठ बोल रही हो? लड़की से क्या बात करना, इन सभी को अरेस्ट कर लो और लोकल पुलिस को फोन करो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली ही इज माय कजिन। सर ये मेरी कजन वजन नहीं है, ये चिपकू है, मैं खुद ही इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुम इनके साथ झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या कर रही हो, ये कजन वजन क्या लगा रखा है? थोड़ी देर में मुझे हस्बैंड बोलोगी, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो क्या? ये लोग नाटक कर रहे हैं। चुप रहो सर, डोंट टॉक एनीमोर, अब ले चलो सबको। सर चलो चलो हेलो लोकल पुलिस, हाँ बोलो, ओवर। बोट नंबर 3 कोस्ट गार्ड ठाकुरवाड़ी हार्बर। अरे यार बेचारी रो रही है, जाके चुप कराना उसे। रोने दो उसे, प्यार व्यार का भूत सर से उतरेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे यार वो पुलिस को बुला रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अरे यार आने वाला इंस्पेक्टर राजेंद्र है, एक सैल्यूट मार के वो चला जाएगा, तब तक उसे रोने दो। आई थिंक दिस इज प्रोस्टिट्यूशन केस, प्लीज कम विद लेडी पुलिस, ओवर। ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, लगता है प्रोस्टिट्यूशन स्कैंडल है, प्रेस को बुला लो और फोटोग्राफर को भी बोल दो। ओके सर। और थोड़ा आगे जाओ, चलो आगे ले चलो। ये तो अपने शरवण का भांजा है ना? जी हाँ सर। और थोड़ा आगे लगाओ, चलो आओ। वो शकुंतला देवी की बेटी है ना? हाँ लग तो रही है। फोटो निकालो, रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ कर चलो चलो। ए, फोटो मत लो। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये कोस्ट गार्ड वाले तुम्हें नहीं पहचानते हैं। यस सर। तुम जाओ बेटी। ए, फोटो मत खींचो। कहाँ फोटो नहीं खींचते हैं? ए, चलाओ बेटा, तुम आ जाओ चलो। ये अच्छे घर के बच्चे हैं, गलती से इन्हें पकड़ लिया था, फोटो मत छापना। इन फोटो का क्या करना है? उस दिन सबके सामने मुझे जलील किया था ना, अब मैं उसके परिवार को जलील करूंगा। शुभानंद की पोती कुछ लड़कों के साथ अकेली पकड़ी गई, पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। जरा देखो तो जमाना कितना खराब हो गया है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हमारी नाक कटवा दी, बता तूने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों क्यों बैठी है मरे? वो गई थी या वो तुझे लेकर गया था? छोड़ना मत, उसने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तू परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस मुँह से मामा के पास जाऊँ? दादी मेरे बारे में क्या सोचेगी और माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले का क्या हाल होता है, जाकर उसे बता दे। कल के अखबार में उसकी मौत की खबर छपनी चाहिए या फिर इस लड़की की मौत की खबर? अगर वो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता, सिर्फ एक दिन ही रोना पड़ता, अब तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। जिस दिन उस लड़की की फोटो मेरे साथ अखबार में आई उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, शादी करूंगा तो उसी लड़की से। ये क्या बोल रहा है तू? वो जिस दिन मेरे सामने आया था उसी दिन उसे मार देना चाहिए था, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े भैया रजनीश का फोन स्विच ऑफ है, उसका कोई दोस्त भी फोन नहीं उठा रहा है। सोचा कुछ और, हुआ कुछ और, उस बेचारी पर तरस आ रहा है। जनार्दन हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ए, बता कहाँ है वो? अरे मुझे क्या? अरे भाई साहब मुझे क्या पता? अरे आया नहीं। अरे ये क्या? ए, बिना सोचे समझे तूने एक बेकसूर लड़की की तस्वीर अपने अखबार में छापी कैसे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही दूसरे रिपोर्टर भी बदनाम होते हैं। इन लोगों से पूछता हूँ, ए तुम लोग उसके दोस्त हो ना? घर में किसी को मत बोलना। विलासराव के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं यार, वहाँ प्रेस को ले जाने की क्या जरूरत थी? देखिए लड़की का मामला था इसलिए प्रेस वालों को बुलाना पड़ा ना सर, आखिर हमारे लिए वही तो एक गवाही होती है। ठीक है जाओ तुम। क्या बोल रहा है तू?
वो बिटिया की तस्वीर आज के अखबार में है साहब। मुझे मालूम था ऐसा जरूर होगा। सामने से जीत नहीं सकता तो अखबार में फोटो छपवा कर जलील कर रहा है। जनार्दन उस शर्वण के टुकड़े टुकड़े कर दो। विलासराव शांत हो जाओ। अगर किसी को डराना है तभी शोर मचाना चाहिए, पर अगर किसी को मारना हो तो शांत रहना चाहिए। हम उसे इस तरह से मारेंगे कि किसी को शक न हो। इंतजार करो, आज रात को ही उन दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा। चलो गाड़ी निकालो। चलो हाँ चलो चलो। भाई हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो आया नहीं है। ए बेलू गाड़ी रुको, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हे भगवान। अगर रजनीश आया तो उसे क्या कहेंगे? अरे भाई क्या एक्सीडेंट हुआ है ऐसा बोलने को कहा है। ठीक है। रजनीश रजनीश सुनो तो रजनीश रजनीश मामा बोलो मामा को किसने मारा? विलास राव ने ना। कैसी बात कर रहे हो रजनीश, वो क्यों मारेगा? अरे तू ही समझाने से, एक छोटा सा एक्सीडेंट था, भाई की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, वो एक खंभे से टकरा गई। कांता भाई आप झूठ मत बोलना। झूठ क्यों बोलूंगा, जो हुआ है वही बता रहा हूँ। रजनीश कैसी बात कर रहे हो, उन्हें कोई हाथ लगा सकता है क्या? हम लोगों के होते हुए उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। रजनीश आया क्या? रजनीश को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, अपना मुंह बंद रखो। चलो वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक से एक ट्रक सामने आ गया। ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी जाकर खंबे से टकरा गई। मतलब वो पीवीएस का ट्रक था ना, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं रजनी, पीवीएस वालों का इस एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात मानो, लेट जाओ। देखो माँ और दादी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी, जल्दी से घर जाओ। हाँ जाओ रजनीश। सुनो तो क्या कर रहे हो? अरे रुको मुझे। रजनीश विलास राव के आदमियों ने ही तुम्हारे मामा को मारा है, छोड़ना नहीं उन्हें, बदला लेना उनसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रजनीश, हमारी बात का विश्वास करो। मेरे मामा को मारा तूने? रजनीश
नहीं नहीं रजनीश। एफआईआर दर्ज हो चुका है, आगे मैं देखता हूँ। ठीक है, आप परेशान मत रहिए। डॉक्टर देखिए, हाथ जॉइन करने की फैसिलिटी सांगली या फिर ठाकुरवाड़ी में नहीं है, इसलिए इन्हें किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कहाँ ले जाना है सिर्फ ये बताइए, मैं उसका कटा हाथ नहीं देख सकता। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मदुरई के मीनाक्षी हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी है, मगर आपको 2 घंटे में पहुंचना होगा। मैं हाथ को आइस क्यूब से पैक करा देता हूँ, आप लोग निकलने की तैयारी कीजिए। ओके उसने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है, इसलिए उसे बेल मिल जाएगी। नहीं, बेल नहीं होनी चाहिए, उसे रिमांड पर ले लो और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भाई साहब। सुनो, तुम्हारे बेटे को जेल में रखने के लिए बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसका अभी बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, मुझे पता है आप जो करेंगे सही करेंगे। कटे हुए हाथ की सारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं, उस हाथ को दोबारा ज्वाइंट नहीं कर सकते। सॉरी डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। बोलो भैया, क्या हुआ बेटी? हाथ अब जुड़ नहीं पाएगा पिताजी। भाई साहब, रजनीश को एमएलए के भाई ने बेल पर छुड़ा लिया है, अब आप ही को देखना पड़ेगा। मेरी बात सुन, तू घर जा, माँ और दादी तेरा इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं जाऊंगा। रजनीश, मामा। मेरे साथ चलो। मैं नहीं आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। नहीं आऊंगा। विलास राव और उन 6 लोगों की जब तक मैं जान न ले लूं, मैं घर नहीं आऊंगा। जाओ, मार दो उन्हें, मगर मारने से पहले वो कौन है ये तो जान लो। विलास राव मेरा साला है, भानुमती मेरी बेटी और शकुंतला देवी मेरी पत्नी, सबको मारने के बाद आकर मुझे भी मार देना। रजनीश है, तुम्हारी राशि है मेष राशि। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, he's my cousin। ऐसा क्यों किया तूने? एक छोटी सी बात के लिए एक अच्छे भले आदमी का हाथ काट दिया तूने, क्यों किया ऐसा? इस तरह जीने से अच्छा कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? जान छूटेगी मेरी, आज के बाद कभी मेरा चेहरा मत देखना। नानी, क्या ये सब सच है? क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं? हाँ बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये दोनों परिवार अलग हो गए। सुबानंद का परिवार सांगली में धंधा करता था, तुम्हारे मामा और शकुंतला देवी का बड़ा भाई तीरथ राव दोनों अच्छे दोस्त थे। मेरी छोटी बहन है वो, शादी करोगे? पति के मरने के बाद मेरी बहन अपने बेटे के साथ मेरे पास ही रहती है। तुम चिंता मत करो, मेरी बहन सब संभाल लेगी। जब उन्हें पता चला कि तेरी माँ मेरी सगी बेटी नहीं है, तो उन्हें तेरी माँ का शादी में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहते थे कि तेरी माँ दुल्हन को आशीर्वाद दे। ए, पैर में अंगूठी? हमारे यहाँ इसे पुरुष पहनते हैं। हाँ। जिस तरह मंगलसूत्र से पता चलता है
कि एक औरत की शादी हो चुकी है, उसी तरह इससे पता चलता है कि पुरुष की शादी हो चुकी है। ये हमारे यहाँ परंपरा है। शादीशुदा पुरुष को इसे पहनना बहुत जरूरी है, ताकि वो किसी दूसरी औरत की तरफ आँख उठाकर भी ना देखे। हाँ। मेरे पति परमेश्वर पर कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े, इसलिए हमेशा इसे पहने रखिएगा, ठीक है? अच्छा, आपकी जो मुंह बोली बहन शादी में आई है, वो अपने गांव कब जा रही है? वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। भैया, मैं रजनीश को ले जाने आई हूँ। अरे सोने दो, देखो कितने आराम से सो रहा है। नहीं भैया। सुनिए, मेरे पिताजी अपना सारा बिजनेस सांगली से ठाकुरवाड़ी शिफ्ट करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग भी उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएं। अच्छा, इसलिए वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। नहीं जा सकते, क्योंकि क्या? मेरी माँ और बहन को यहीं रहना पसंद है। मैं तो हम दोनों की बात कर रही हूँ, वो लोग यहीं रहेंगे। माँ और बहन को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम लोग? तो क्या करूँ, घर में बैठकर दिन भर तुम्हारी माँ और अनाथ बहन की सेवा करती रहूँ? ये तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? इसमें क्या गलत बोल रही हूँ मैं? पहले तुम शांत हो जाओ। मैं क्यों शांत हो जाऊँ? अरे मैंने कहा ना, चिल्लाओ मत। क्या हुआ भैया, आप लोग झगड़ रहे हैं, क्या बात है? देखो, मेरे पति मुझसे बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ अपना काम करो। ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसे बीच में आने की क्या जरूरत है? लेकिन उसने मुझसे कहा ना। वही तो, क्यों कहा? क्या आराम से यहाँ हम दोनों बात भी नहीं कर सकते? अरे क्यों चिल्ला रही हो, अगर मेरी बहन ने सुन लिया ना तो उसे बुरा लगेगा। जब देखो तब बहन और बहन का बेटा। अब इस घर में मैं तभी रहूंगी जब आप उन दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? भैया, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। छी, इतनी जल्दी तुमने हमें पराए कर दिया, तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे? मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे तुम साथ रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इस हालत में देखकर दिन रात रोना आता है। तुम इस भाई को छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ जाओ। नहीं भैया। आइए ससुर जी, आइए। आओ ना साले साहब। शादी के 10 दिन भी नहीं हुए और तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, कैसा मर्द है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बहन यहाँ तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी माँ और बहन की सेवा करे, इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की। अरे सोच समझ कर बोलिए। तुम मेरी बहन को मार सकते हो और मैं तुम्हारे घर वालों को कुछ भी न बोलूं। शकुंतला मेरी पत्नी है, इतना तो ध्यान रखो। वो सिर्फ 10 दिनों से तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो जन्म से ही हमारे घर की रानी है। तो बताइए मैं क्या करूँ? पहले तुम अपनी इस लाडली और उसके बेटे को घर से बाहर निकालो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पत्नी से ज्यादा इनसे प्यार है। ऐसे समय में बहन अपने भाई का घर छोड़कर खुद चली जाएगी, अगर सगी होगी तो। ए विलास राव, उन लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना। अगर शकुंतला मेरी एक आंख है तो ये मेरी दूसरी आंख है। बस बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, बेटा सरवन, भैया ये तूने क्या कर दिया? बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता और भाई को मारने के गुस्से में शकुंतला देवी ने तुम्हारे मामा पर मारपीट का केस दर्ज करा दिया। सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिन बाद ही उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। सरवन हाजिर हो, सरवन हाजिर हो, सरवन हाजिर हो। केस की सुनवाई के दौरान जज के सामने दोनों के बयान लिए गए। मैं तलाक हरगिज नहीं दूंगा, एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास जरूर वापस आएगी, इसका मुझे यकीन है। उसी यकीन के साथ मेरे बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। हमें लगा गोद भराई की खबर आएगी, बेटी पैदा होने की खबर आएगी, उसके जन्मदिन की खबर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी पोती कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पहली बार उसकी फोटो अखबार में ही देखी। वो इस घर की अमानत है, उसे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो मामा, मैं आपका गुनहगार हूं। आपकी बात न मानकर मैंने गलती की है मामा। भानु कौन है ये मैं नहीं जानता था, सच कह रहा हूं मामा। आज के बाद से हथियार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा मामा, किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगा।
बिलासरा, अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन निशाना किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहिए। हम अभी हारे नहीं हैं। हार गए हम, हार गए। सेल्वम का हाथ काट दिया, ये हार नहीं तो और क्या है? हमें अपनी हार को मानना होगा, तभी सीने में आग और भड़केगी। बिलासरा, ये हार मुझे रोज रोज तड़पा रही है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब वो लोग मुझसे बच नहीं सकते हैं। उन दोनों को मैं अभी खत्म कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो बिलासराव, इसकी वजह पेपर में छपी वो फोटो ही है ना। लड़की की मर्जी के बिना उसे कोई टापू पर ले जा सकता है? जैसे मछली को फंसाया जाता है, उसी तरह जाल बिछाकर वो हमें फंसाना चाहता है। पुराने रिश्ते तोड़ करके वो नए रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन पुराने रिश्ते आसानी से नहीं टूटते। मैं दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मगर पता नहीं लोग क्यों मेरी ईमानदारी पर हमेशा शक करते रहते हैं। क्या सर, ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें रेप सीन ना हो। सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये आवाज कैसी लगता है, रेप हो रहा है। अरे बाप रे, इस आवाज से तो मेरा सिर घूम गया। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कहाँ हो रहा है रेप, कहाँ हो रहा है रेप, रेप कहाँ हो रहा है? अरे घर के अंदर रेप हो रहा है और तुम लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो। शर्म नहीं आती? चारों लोग बैठे हैं, उसे बचाना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है रेप, कहाँ है? टीवी में ये सब हो रहा है। मुझे लगा सच में रेप हो रहा है, इसलिए दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। ड्राइवर भाइयों बहनों माफ करना। तुझे हम लोग ड्राइवर दिखाई देते हैं। अरे भाई, खाकी पैंट शर्ट पहन कर खड़े हो, कहीं तुम किसी कंपनी के वायरमैन तो नहीं हो ना? एक बात बताओ, तुम लोग तो खंबे पर चढ़ जाओगे, लेकिन ये मैडम कैसे खंबे पर चढ़ती होगी? क्यों बे, मैं खंबे पर चढ़ने वाली वायरमैन दिखती हूँ तुझे? तो क्या आप पोस्टमैन हो? नहीं। वॉचमैन हो? नहीं। गुरखा हो? अरे नहीं भाई। कंडक्टर हो? नहीं 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 नहीं। तो क्या तुम लोग मच्छर मारने वाली कंपनी से हो? देख, चुप हो जा वरना। नहीं। तुम लोग कौन हो, ये आज मैं जान के ही रहूंगा। अरे चुप हो तब तो बोलूं। तूने इतने खाकी वर्दी वालों के नाम गिनाए, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, अपनी वर्दी में खड़े हैं, ये तुझे दिखाई नहीं दिया? गया काम से। आप सब पुलिस वाले हो क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? ठाकुरवाड़ी का MLA। अरे मतलब बनने वाला हूँ। एक बार मैं मंत्री बन जाऊंगा तो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म, जीन्स पैंट और टी शर्ट कर दूंगा। पहले ही देखना चाहिए था कि टीवी में रेप हो रहा है। इतने साल हो गए सोचता था मामा को मुझसे प्रॉब्लम है, मगर जब सच्चाई का पता चला तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि लोग मेरी खुशी के लिए अपने गमों को छुपा के जी रहे हैं। तो जाकर एक बार भानु से मिल ले। आज भी भानु का वो हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ है। किसी तरह मामा और मामी को एक साथ लाना है, दोनों परिवारों को फिर से एक करना है। आज से यही मेरा काम है। आपके नाम रजिस्ट्री है? नमस्ते साहब। ये बता रहे थे कोर्ट की नोटिस है। पढ़ो क्या लिखा है। शकुंतला मैडम ने तलाक के लिए नोटिस भेजा है भैया। भानु, भानु। रुको रजनीश, पुराने स्टूडेंट्स होने की वजह से कैंपस में अलाउ किया था, मगर अब तुम लोग कॉलेज के गेट पर भी मत दिखना। भानु, 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 रुको भानु, मेरी बात तो सुनो भानु। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आज मामी ने मामा को फिर से डिवोर्स का नोटिस भेजा है। रुक जाओ भानु, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। अगर पता होता तो वो सब नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी इतनी बदनामी हो गई और तुम्हें कोई परवाह नहीं है? इतना सब हो जाएगा, मुझे पता नहीं था भानु। मुझे भी तो नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है, मेरी दादी कौन है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तभी मुझे पता चला कि तुम कौन हो, तुम्हारा हमारे साथ क्या संबंध है। मैं चाहती थी कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे लगा था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए तुमसे सच्चाई छिपा कर रखी। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम काले दिखते हो या गोरे, अच्छे इंसान हो या बुरा इंसान, कुछ जाने बिना तुमसे शादी करने के सपने देखने लगी, पर तुमने पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बना दिया। नहीं भानु, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था भानु। कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब मुझे रोता हुआ देखकर तुम हंसे तभी पता चल गया कि तुम कैसे इंसान हो। और जैसे तुमने सेल्वम का हाथ काटा,
उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। क्या रे, कौन है तू? लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, मैं भानु को जानता हूँ, उससे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। पर मैं इसे नहीं जानती, फालतू की बातें कर रहा है। इसे कह दीजिए कि यहाँ से चला जाए। अरे चल निकल यहाँ से, जाए। दिखने में शरीर दिखता लेकिन हरकतें देखो। मामी, आप मुझे माफ कर दो, मामा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप चाहें तो मैं और माँ घर छोड़कर चले जाएंगे। मुझ पर एहसान कर रहे हो? तुम दोनों की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसे सब लोग नोट कर लो। मैडम बुरा मत मानना। क्या बात है? मुझे भानु से दो मिनट बात करनी है, सिर्फ दो मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है। देखो भानु, जो समझ नहीं सकता उसे समझा सकते हैं, मगर जो समझना नहीं चाहता उसे हम चाहकर भी नहीं समझा सकते। तुम्हारी सोच अपने पिताजी की तरह नहीं है, तुम अपनी माँ की तरह सोचती हो। किसी गुनहगार को भी सजा से पहले अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तुमने तो मुझसे ये मौका भी छीन लिया। लड़कियों को बोलने का मौका नहीं मिलता ऐसा लोग कहते हैं, मगर आज एक लड़का चुप रह गया। इसीलिए तो लोग अपनी प्यार की कहानी ऑटो के पीछे लिखकर घूमा करते हैं। जिस दिन कोस्ट गार्ड वालों ने हमें पकड़ा और हमारी फोटो अखबार में छपी, उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जब पता चला कि तुम मेरे मामा की बेटी हो तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। इतनी समझदार होकर अगर तुम इस बात को नहीं समझोगी तो तुम्हारी माँ जो इतनी जिद्दी है वो कैसे समझेंगी? हमारा परिवार एक कैसे होगा? समझो भानु। विलासराव सर आए नहीं क्या? बस आते ही होंगे। देखिए ये हेड इंजरी है, ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके ग्रुप का ब्लड हमारे पास नहीं है, हमने ब्लड के लिए बड़े हॉस्पिटल से डिमांड की है लेकिन उसे आने में 1.5 घंटा लग जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप है डॉक्टर? A1B पॉजिटिव। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे ना? अभी नहीं, ऑपरेशन के बीच में अगर खून की कमी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक और यूनिट मिलने के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मैं एक डोनर को जानती हूँ जिसका सेम ब्लड ग्रुप है, उनका नंबर दो क्या? सुनिए मैडम, किसको चोट लगी है? एक छोटा बच्चा है सर। हाँ? हे भगवान, वो कहाँ जा रहा है? ब्लड देने सर। हम आप ही का वेट कर रहे हैं, आइए। मामी आप तो कुछ बोलिए, एक बच्चे को खून देना क्या गुनाह है? दादाजी, दादाजी ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। दादाजी माना मैंने गलती की है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। चाची आप तो कुछ बोलिए, चाचा को समझाइए ना। सुनिए, तुम चुप रहो। ए भानु, भानु कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भानु, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने कोई गलती नहीं की है, बताओ इनको। सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? एक बच्चे की जान से ज्यादा तुम लोगों को आपस में झगड़ने की पड़ी है। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। ए भानु ये तुम्हारे लिए भी है। मामी आपकी भी तो एक बेटी है ना, आपको एक माँ का दर्द नहीं दिखता? डॉक्टर ब्लड आ गया। ठीक है आ जाओ, चलो। क्या? हा? अरे ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, इन सब के भीतर की इंसानियत मर चुकी है। चल उठ, चल मेरे साथ, चल। इनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। चल तू मेरे साथ। तू यहाँ पर क्यों बैठा है? क्या हुआ? ये क्या, तेरे हाथ को क्या हुआ? क्यों बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ
मुझे कोई समझना नहीं चाहता माँ। क्या हुआ बेटा? विलासराव चाचा जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में था। मैंने उसे खून देना चाहा, वहाँ सब लोग थे, मगर अगर किसी ने मुझे नहीं अपनाया, जब मेरे दोस्त लोग मुझे गुंडा गुंडा कहकर बुलाते थे तब मुझे गर्व होता था, मगर आज वो नाम मुझे काटने को दौड़ता है माँ। रो मत बेटा, तू बहुत अच्छा है, तेरी माँ कह रही है ना, रो मत, चुप हो जा। दीदी, सर्वेंट का परिवार अच्छा है या बुरा ये तो मैं नहीं जानती, मगर हम कितने बुरे हैं ये जरूर पता चल गया। हमारे बेटे के लिए वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, वो तो हमारी मदद के लिए आया था, लेकिन उसके बदले में हमने उसके साथ क्या किया? हमने जो भी किया वो सही था क्या? इंसान जिंदगी में भले ही कितना पैसा कमा ले पर वो उनसे खुशियां नहीं खरीद सकता। देखो भानु, उसके बारे में तुम गलत मत सोचो, अब रजनीश बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बात समझो। चलो गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन क्यों? बोला ना अंदर बैठो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं क्या बोलूं? सिर्फ देखोगे या बात भी करोगे? मैं तुम्हें कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो रोड को देखकर गाड़ी चला रहा हूँ। ओह, ये लोग है इसीलिए बात नहीं कर रहे हो? ठीक है, तुम गाड़ी रोक दो, हम लोग उतर के बात करते हैं। कंफ्यूज क्यों कर रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ ना, गाड़ी रोक दो। बोलो। चलो यहाँ से। तुम बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं भानु, मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आया। कभी भी नहीं? पहले तो बहुत डांटते थे। अरे वो तो ऐसे ही, तुम्हारा गुस्सा तो चला गया ना? थोड़ा गया, पर थोड़ा है। झूठ बोलने पर छींक आती है, ऐसा लोग कहते हैं। हे, तुम भी तो झूठ कह रहे हो ना। अच्छा। दुपट्टा ले लो। भानु सर ढंग के जाना। आप जाइए, सब संभाल लूंगा मैं, जाइए। ये क्या, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खास जगह जा रहे हैं। क्या हुआ, आज ज्यादा ही प्यार आ रहा है क्या? प्यार प्यार तो नहीं आ रहा है। बाइक रोको, झूठ बोल रहे हो ना, रोको। प्यार नहीं आ रहा? तो क्या तुम उससे शादी भी नहीं करोगे? देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम अच्छी लगती हो, तुम खास भी हो, शादी भी कर लूंगा, पर अभी तुम पर प्यार नहीं आ रहा है। झूठ मत बोलो। अरे सच बोल रहा हूँ। मेरी अंगूठी बेची नहीं है ना, वो अभी तुम्हारे पास है। कहा ना उसी दिन बेच दी। मुझे पता है वो तुम्हारे पास ही है, जिस दिन मुझे आई लेवल कहोगे उसी दिन तुमसे शादी करूंगी। फिर तो शायद इस जन्म में हमारी शादी नहीं होने वाली। बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। मामा। हाँ, आ रहा हूँ। पापा। पापा। कौन आया? माँ भानु। बेटा बेटा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, अभी हम तेरे ही बारे में बातें कर रहे थे, तेरे आने से हमारा परिवार पूरा हो गया मेरी बच्ची। देखो भगवान, देखो देखो आज कौन आया है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची वापस आ गई है, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, फूल जैसी है मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए कितना तरस गई थी बेटा, मेरी बच्ची मेरी बच्ची, अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा मेरी बच्ची। बहुत होशियार बनती है, दोबारा क्या तो मार डालूंगा। अरे वो अपने पिताजी के घर गई थी। मुझे ना तुम लोगों की नौकरी चाहिए और ना ये वर्दी चाहिए। दुनिया में एक ही ऐसा परिवार होगा जो किसी बेटी को उसके बाप के घर ले जाने पर पीटता है, और वो है पीवीएस परिवार। रखो इसे, खबरदार पीछे आए तो। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपनी जेब में रख कर घूमता हूँ। किसे पूछ कर गई थी वहाँ? किसे पूछ कर? रुक जाइए माँ, अपने पापा से मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। याद रख, माँ के बताने पर ही बाप का पता चलता है, जरूरत पड़ी ना तो उससे बाप कहलाने का अधिकार छीन लूंगी। अब मैं आपका और साथ नहीं दे सकती माँ, मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है,
बेटे ये तो क्या कह रही है? आप चुप रहिए प्लीज। पति की मौत के बाद आप रजनीश की माँ को उस घर में रहने नहीं देना चाहती थी ना, और आप खुद 20 साल से अपने भाई के घर पर रह रही हैं। हे, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे कहने दीजिए मामा जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, तो मेरे माँ बाप क्यों अलग रहे? मामी एक दिन अपने मायके जाती है तो आप दूसरे ही दिन उन्हें बुला लेते हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चों के बिना कुछ दिन भी नहीं रह सकते, तो सोचिए मेरे बाबा का क्या हाल हो रहा होगा जो मेरे और मेरी माँ के बिना इतने सालों से रह रहे हैं। ये कैसी दुश्मनी है आप लोगों की। उस दिन रजनीश से मिलने मैं टापू पर गई थी और आपसे बदला लेने के लिए उस रिपोर्टर ने वो फोटो छापी थी, और उस सबका इल्जाम पिताजी पर लग गया। बेकसूर होते हुए भी उन्हें सब झेलना पड़ रहा है, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद आप लोग उनकी जान लेने पर क्यों तुले? ये क्या बोल रही हो? मत मारो उसे, मैं बात करती हूँ। पिताजी, डीएसपी को यहाँ आने को कहो। बोलिए सर, कैसे याद किया? आज तक जब भी जरूरत पड़ी है आपने हमारी मदद की है, और जितना हो सका हमने भी किया। बताइए आपको कौन परेशान कर रहा है? है कोई, जरूर बताऊंगा कि कौन हमें परेशान कर रहा है। बहुत पुरानी दुश्मनी है उससे हमारी। मनु, ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, ये घड़ी नीचे गिरकर टूट गई। लकी घड़ी थी बेचारी। भैया उठ गए ना? वो तो सुबह सुबह जल्दी बाहर चले गए। बेटा रजनीश। मनु, रजनीश कहाँ गया? वो तो सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। क्यों, आपको नहीं पता क्या? कुछ पता है भी ना चला गया, कहाँ गया होगा? रजनीश, रंगीला के भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बुलाया तो था लेकिन वो डॉक्टर के पास गया हुआ है। शाम तक हम भी चलते हैं। रजनीश, हमने देखा, क्या हो रहा वहां पे? नहीं सर। कि जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मेरे बिजनेस और मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुझे चैन नहीं मिला, जो अब तू मेरे रजनीश को मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को भेजा उसे मारने के लिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या चाहिए तुझे, मेरी जान चाहिए या उसकी जान चाहिए? चला जा। अरे आ जा, हिम्मत है तो। ये क्या करने जा रहे थे आप? मुझे मना करके आप हथियार उठा रहे हैं? मामा मेरी बात सुनिए। मामा, अरे लड़ाई जब अपनों के बीच होती है तो जीत अहम नहीं होती है।
अहमियत होती है अपनापन बचाए रखने की, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आज तक पलटकर वार नहीं किया। वरना तो मुझे जानते हो, एक दिन ससुर जी ने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया तो मेरा हाथ उठ गया, और इसी का पश्चाताप करने के लिए मैंने कभी भी इस चौखट पर कदम नहीं रखा और न ही उनसे नजरें मिलाने की कोशिश की। मैं चाहता तो कभी भी चुटकी बजाकर अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मेरी पत्नी शकुंतला देवी को दुख न हो इसीलिए मैं आज तक सिर्फ अपनी बेटी की यादों के सहारे घुट घुट कर जीता रहा। भानुमति मेरी बेटी है और वो इसके साथ जहाँ जाना चाहे जा सकती है। उसे रोकने का हक उसकी माँ के सिवाय दुनिया में किसी को नहीं है। ए सेल्वम, ले पकड़ इसे और काट काट दे इसका हाथ, और अगर चाहे तो इसका सर भी काट दे। काट। इसके अलावा अगर किसी और ने इसे छूने की कोशिश की तो मैं चीर के रख दूंगा। याद रहे। भाई साहब, अब मैं यहाँ और रहा तो मेरी वजह से हर रोज यहाँ झगड़ा होगा। मैं जा रहा हूँ, आज से मैं श्रवण भाई के साथ ही रहूंगा। जा रहा है ना, जा। एक दिन जब वो तेरा सिर कलम कर देगा तब तुझे पता चलेगा। नमस्ते सर। आइए आइए सर, बैठो बैठो, यहाँ बैठे सर। मेरे पति परमेश्वर पर कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े इसलिए हमेशा इसे पहने रखिएगा। मामी, विलासराव चाचा ने मामा को मारने की धमकी दी थी और आपको मंगलसूत्र वापस करने को कहा था, इसलिए मामा जैसा आप चाहती थी वो सब करने के लिए तैयार है। आपने डिवोर्स के लिए जो पेपर भेजे थे मामा ने उस पर भी साइन कर दिए हैं। ये लीजिए, अब आपको जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। दादाजी, आपने शादी के वक्त जो 1,00,000 रुपए दिए थे मैं उन्हें वापस लौटाने आया हूँ। मैं उन्हें वापस लौटाने आया हूं, और आपने जो मंगलसूत्र पहना है उसे भी वापस लेने को कहा है। दो मामी, दो ना। क्या सोच रही हैं? इस तरह चुप क्यों है? मंगलसूत्र उतार कर इसके मुंह पर मार दे, हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी। रहने दो, आज शुक्रवार है, कल आकर ले जाऊंगा। भानु! हाँ? अपनी बेटी को लाने के लिए भी कहा है, मामा ने मेरी और भानु की शादी भी तय कर दी। माँ, मैं चलती हूँ। दादाजी, मैं जा रही हूँ। भानु! मैं अपने घर जा रही हूँ माँ, ये हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ मेहमान हैं। हम यहाँ कुछ ज्यादा ही दिन रह गए। भानु! भानु, मत जा। जिस दिन वो लड़का मेरे घर में घुसकर भानु को अपने साथ लेकर गया उसी दिन सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कट गई। अपनी बेटी को मारने से शकुंतला ने मुझे रोक दिया, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र निकालने से इनकार कर दिया। अगर श्रवण ने उनकी शादी करवा दी तो सीना ठोक कर कहेगा मैं जीत गया।
अगर मेरी बहन उसके साथ फिर से चली गई तो? नहीं 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 नहीं, ऐसी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं गुस्से से कांप रहा हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है। सरवन को नीचा दिखाने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम मानोगे नहीं। बताओ जो भी है बताओ। इसके पहले कि सरवन अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करवा दे, तुम उसकी बीवी की शादी किसी और से करवा दो। हाँ, शकुंतला की शादी किसी और जगह होनी चाहिए। जब वो अपने गले का मंगलसूत्र उसके मुंह पर मारेगी तो वो अपमान से तिलमिला उठेगा। शकुंतला की दोबारा शादी? तुम्हारी बहन की उम्र ही क्या है, 39 साल की ही तो है। आज के जमाने में वैसे भी लोग 35 साल की उम्र तक शादी नहीं करते, और वैसे भी कौन सा उसकी शादी के लिए कुंडली दिखानी है। बस तुम्हारी हाँ होनी चाहिए, डिवोर्स पेपर तो उसने साइन कर ही दिए। तो तुम करोगे? तुम शकुंतला से शादी करोगे? मैं तुम उससे शादी करोगे बोलो? शकुंतला मैं उससे करूंगा तो वो जरूर करेगी। तुम बताओ कि तुम करोगे या नहीं करोगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो? कह रहा हूँ वो करेगी, तुम मुझे बताओ तुम करोगे कि नहीं करोगे। विलास राव, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या हुई ना बात, यही सुनना था मुझे। तुम्हारे हाँ कहने से मैं आधी जंग जीत चुका हूँ। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए, मेरे पिताजी को भी नहीं। कल ही होगी ये शादी। कल शकुंतला को लेकर मैं मंदिर पहुंचूंगा, तुम भी वहीं आ जाना। अरे मन्नू, जरा देख तो कौन है। अरे सेठ जी, आप क्या बात है, इतनी रात गए? नमस्ते सर। आधी रात को विलास राव मेरे पास मंगलसूत्र लेने आए थे, जब पूछा तो बोले मेरी बहन की शादी है। जैसे ही मैंने ये सब सुना आपके पास भागा चला आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मामा, मुझे ये मामी का फैसला नहीं लगता, इसमें जरूर विलास राव की कोई चाल है। जब मैंने मामी को मंगलसूत्र के लिए कहा था, मामी का मन कितना बेचैन हुआ था ये मैं जानता हूँ। भैया, आपने उस पेपर पे साइन करके गलती कर दी है। माँ, मैं भानु को यहाँ लाया हूँ इसी वजह से ये सब हो रहा है, पहले मैं इसे वहाँ छोड़कर आता हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी भानुमती के साथ होकर ही रहेगी। मामा, हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मेरा भानु से शादी करने का एक ही मकसद था, आपको और मामी को फिर से मिलाने का। इसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं है। भानु का भी मुझसे मिलने का मकसद यही था कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं। हम दोनों यही चाहते थे, इसलिए मैं तो कहता हूं अपनों के लिए झुकना गलत नहीं होता। मामा, आपने कहा था मंदिर में पूजा है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ ना बताता हूँ। शकुंतला, मुझे तुमसे कुछ। बोलो भैया। जनार्दन यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसको यहाँ बुलाया है। मेरा सम्मान बचाए रखने के लिए जो कहूंगा वो करोगी ना? मामी, ये रही आपकी बेटी। आपका अपमान करने के लिए या फिर विलास राव चाचा को हराने के लिए मैं भानु को लेकर नहीं गया था। मैंने तो सोचा अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो दादाजी, आप और चाचा, आप सब लोग इससे मिलने के लिए हमारे घर आएंगे। मेरे ही कहने पर मामा ने आपके भेजे डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे। मैंने सोचा जब मंगलसूत्र मांगूंगा तो आपका मन बदल जाएगा, मगर आज शादी का फैसला लेकर आपने ये क्या कर दिया? क्या ये सही है? गुस्से में लोग गलत बोल देते हैं मगर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। ये क्या बोल रहा है भैया? बोलो क्या? ये क्या बोल रहा है बताओ भैया, मुझे इस मंदिर में क्यों लाए हो? ये सही बोल रहा है, मैंने जनार्दन से तुम्हारी शादी कराने का फैसला किया है। भैया, किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? किससे पूछकर? मामी, धोखे पास कहीं के? मामी, मामी, ये क्या कर रही हैं? नहीं हो सकते! सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ सरवन की पत्नी हूँ, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारी भलाई के लिए क्या है? 20 साल पहले जो अंगूठी मैंने उनके पैरों में डाली थी वो आज तक उन्होंने पहन रखी है। तुम्हें क्या लगा उनके नाम का ये मंगलसूत्र मैं उतार दूंगी?
सगा भाई होने के नाते मैंने कितना विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मत करो चाचा जी। तुम पीछे। बीस साल पहले जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया था, आज भी उसी के नाम का कीर्तन गा रही हो। याद नहीं है वो हादसा तुम्हें? भूल चुकी हो? जब उसने मेरी नाक काटी थी ये भी भूल गई? उसने सेल्वम का हाथ काट दिया, सब कुछ भूल चुकी हो? सब कुछ भूल गई? हमारे साथ जी रुके। तुम आ जाओ पीछे, तुम भी आ जाओ पीछे। चाचा जी समझते तुम अपने आप को? हाथ मत लगाना। नहीं नहीं चाचा जी नहीं, हम सब रिश्तेदार हैं, परिवार जैसे। क्या बोला? कौन सी रिश्तेदारी? तेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरे गले में अटका हुआ काटा है वो, उसे जब तक मैं मार नहीं लेता दम नहीं लूंगा। चाचा जी हम सबकी रगों में एक ही खून है। खून चाहिए मुझे ना, दे अपना खून, दे मुझे खून। चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये चाचा चाचा लगा रखा है? क्या मैं तेरे बाप का भाई हूँ? क्या तेरी माँ का दूसरा पति हूँ? मम्मी आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आप जाओ यहाँ से। साल में तुम्हारे साथ रहा, तुझ पर पूरी नजर भी रखता था मगर कभी कुछ किया नहीं। तेरा भाई कहता है कि वो शहर में नंबर वन है और मैं नंबर टू हूँ। एक बार तुमसे शादी हो गई तो मैं नंबर वन बन जाऊंगा। जनार्दन तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला देवी का पति और पीवीएस ग्रुप का दामाद, बस यही चाहिए मुझे, यही और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मामी मंगल सूत्र मैं पहनाऊंगा, उसके बाद चाहे तू सरवन के साथ जा या किसी और के साथ जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेशरम इंसान, क्या बकवास कर रहा है तू? आवाज नीचे रख, मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शादी के एक हफ्ते बाद ही पति को छोड़कर मायके में रहने लगी, हमेशा उसका अपमान करती रही और आज कहती है कि सरवन ही मेरा पति है, पागल समझा है क्या मुझे? तू ये अपना पतिव्रता बनने का नाटक बंद कर। Hey! Hey!
बेवकूफ, हमेशा मामी मामी करता रहता है और कोई काम नहीं है तुझे। एक हफ्ता तेरे मामा के साथ रहकर आ गई तो तेरी मामी हो गई। इस तरह से तो मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल बोल, मुझे भी मामा बोल, मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल। क्या हुआ बेटी? ये क्या किया? तो हो ना? आ रहा है वो सेल्वम का हाथ काटने वाला, आपकी बेटी की जिंदगी उजाड़ने वाला। दादाजी और विलास राव चाचा, पुरानी बातों को लेकर आज भी तुम पर बहुत गुस्सा है। सेल्वम की शादी हो गई क्या? नहीं यार, उस बेचारे सेल्वम से भला शादी कौन करेगा। जेल से आने के बाद तुम्हारी शादी करनी है, सबने मिलकर ये फैसला किया है। आओ बेटा। माँ। कैसा है बेटा? कैसी हो तुम? और रजनीश, शकुंतला, मामी, मार दे उसे। तू नहाकर तैयार हो जा, मंदिर जाना है। लेकिन क्यों? कल तेरी शादी है, इसीलिए जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना है। सोच क्या रहा है? इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों ले लिया? मैं भानु से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सेल्वम और भानु की शादी होनी चाहिए, यही सही रहेगा। रजनीश, तू ये क्या कह रहा है? मैं जेल में इसीलिए खुश था कि मेरे मामा और मामी का परिवार फिर से एक हो गया।
मगर चार दिन पहले जब मैंने अपनी शादी की बात सुनी तो मेरी खुशी चली गई। माँ, ये परिवार एक होना चाहिए, यही सोचा था ना हम लोगों ने, तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी का फैसला क्यों किया? बेटा, हम जानते हैं कि भानु सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है, इसीलिए हमने ये शादी का फैसला किया। ये सब ठीक है मामा, मगर क्या दादाजी इसके लिए कभी राजी होंगे? क्या चाचा जी मुझे आशीर्वाद देंगे? अगर ऐसा है तो ही शादी करूंगा, घर के बड़े हैं वो, उनके बिना ये शादी होगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? परिवार में दुश्मनी हो तो जिसकी जीत होती वो बड़ा नहीं होता बल्कि हारने वाला बड़ा हो जाता है। अगर मैंने भानु से शादी कर ली तो वो दोनों हार जाएंगे, अगर वो हार गए तो इसमें हमारा बड़प्पन कहाँ है? हमें अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। सेल्वम की जिंदगी मैंने खराब की है इसीलिए वो गुस्सा है। दर्द को दर्द से नहीं मिटा सकते, उनके दर्द का मलहम सेल्वम की भानु से शादी है, तभी दादाजी के मन से वो नफरत का कांटा निकलेगा। भानु के लिए सेल्वम से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता मामा। रजनीश, चोट का दर्द थोड़े समय के लिए ही होता है मगर जो चोट देता है वो जिंदगी भर तड़पता है। बहुत दर्द हो रहा है मामा, सेल्वम को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है मामा। भानु मुझे गलत मत समझना, भानु 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 मेरी बात सुनो, हम दोनों का मकसद दोनों परिवारों को एक करना था, और अगर हमारी शादी हो गई तो ये परिवार कभी एक नहीं होगा। तुम हमारे मकसद को भूल रही हो भानु। सेल्वम को वैसे तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी मगर तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चाहत एक तरफ है, इंसाफ एक तरफ है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर सिर्फ दो प्यार करने वाले ही शादी करते तो दुनिया में कितने लोगों की शादी नहीं हो पाती। या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ सुनना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। मैं सेल्वम से शादी के लिए तैयार हूँ, मेरा प्यार मर चुका है ये मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे प्यार की जीत हुई या हार मुझे ये बता दो। मामा, भानु शादी के लिए मान गई है, आप तैयारी शुरू कीजिए। दादाजी? हाँ? भैया, दादाजी ये सब क्यों? दादाजी इस उम्र में ऐसी बातें, ऐसा धैर्य तो मुझ में होना चाहिए था। मुझे लगा था कि हमारे बीच के रिश्तों का पेड़ मर चुका है, लेकिन तूने इसकी जड़ों में फिर से जान डाल दी। बेटा मुझे माफ कर दो। बेटा तो सबको माफ कर देना। बेटा रजनीश, मुझे माफ कर दो। सेल्वम जी, हमारे घर की खुशियां तभी लौटेंगी जब इन दोनों की शादी होगी। भानु का हाथ रजनीश के हाथ में दे दो। नहीं दादाजी। रजनीश। नहीं दादाजी। सेल्वम बस बहुत हुआ हमारे लिए, तुमने बहुत दादाजी है बेटा, अब और नहीं। भूल से हुई गलती का तुम मुझे कितनी बार एहसास दिलाओगे बेटा? मम्मी, जो खून मैंने किया था उसकी सजा तुम्हें काटनी पड़ी, और कितनी सजा चाहिए तुम्हें? शकुंतला, ये क्या बोल रही हो? Yeah!
मामी ये मुझे दे दो, मेरी बात सुनो, मुझे दे दो। दो मामी दो। आप सबको क्या कहोगी कि इसका खून आपने किया है? नहीं मामी, ये हमारे परिवार के मान और मर्यादा का सवाल है मामी। लाइए मुझे दे दीजिए। मामी समझने की कोशिश कीजिए, मुझे तो इसके लिए सिर्फ सजा मिलेगी, आपका तो पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ये मुझे दे दो। मामी आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये मुझे दे दो, ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मामी मुझे दे दो, आपको मेरी कसम है मामी, ये किसी को मत बताना। मामी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ मामी। मामी आपको कसम है, जाओ यहाँ से, मैं कह दूंगा कि इसका खून मैंने किया है। जाओ मामी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? मैंने फैसला किया था कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये शादी कर लोगे तो मैं भी अपना घर बसा लूंगा। रजनीश, जिस अखबार में तुम्हारी और भानु की गलत खबर के साथ फोटो छपी थी, उसी में तुम दोनों की शादी की फोटो छपेगी, तभी हमारी इज्जत वापस लौटेगी। ए सुन, अपनों के बीच हार कर तू बहुत बड़ा बनना चाहता है। मामा चल पकड़ इसका हाथ, पकड़।